नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दरअसल बात यह है कि कल भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सफल परीक्षण का मतलब कि वो 800 किलोमीटर से दूर यानी कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल थी जिसका हमने टेस्ट किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सफल परीक्षण के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की नींद उड़ चुकी है, वो परेशान हो चुके हैं। साथ ही भारत ने एक यह भी जानकारी ऑफिशियली दी है कि इस मिसाइल का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, वो भी अगले 10 दिनों के अंदर। यह बहुत ही बड़ी बात है कि अगले 10 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। आइए अब मामले की और भी बारीकियों पर ध्यान देते हैं और उसको समझते हैं। यह ब्रह्मोस मिसाइल का लॉन्ग रेंज ER वेरिएंट है, इसका मतलब एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट, जिसका कल रात सफल परीक्षण किया गया है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। इस ER वेरिएंट को जो भी पैरामीटर दिए गए थे इसने उसको सफलतापूर्वक स्वीकार किया और उस पर बिल्कुल खरी उतरी है यह मिसाइल। इसकी वजह से यह मिसाइल 100% सफल परीक्षण हो पाया है। इस मिसाइल से हमें यह फ़ायदा होगा कि अब हम चीन और पाकिस्तान में हम डीप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं थी। अभी तक जो हमारे पास मिसाइल हुआ करती थी वो 400 से 500 किलोमीटर रेंज की हुआ करती थी, बट अब ये जो मिसाइल है ये हमारी 800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, जिससे हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के अंदर तक हम इससे वॉर कर सकते हैं, जो इससे पहले हमारे ब्रह्मोस से पॉसिबल नहीं था। अब असली खबर तो यह है कि भारत ये जो एक्सपोर्ट करेगा इस मिसाइल को, ये किसे करेगा? ये जो करने जा रहे हैं हम एक्सपोर्ट, ये चीन के बिल्कुल विरोधी देश फिलीपींस को करने जा रहे हैं। फिलीपींस ने हमें इसका ऑर्डर 1 साल पहले ही दे दिया था कि मुझे ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, जिसके लिए भारत ने उससे हाँ किया और पहले हम ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी भी उन्हें दे चुके हैं, बट अब हम उनको लेटेस्ट मॉडल की डिलीवरी करेंगे। इससे भारत को दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो यह होगा कि भारत को इससे कमाई होगी फॉरेन करेंसी की, जो पैसा हमारी और मिसाइलों के लिए और चीज़ों के लिए डेवलपमेंट में लगेगा, जिससे हमारा रक्षा में और भी मजबूती आएगी। और दूसरा इससे हमें फ़ायदा यह मिलेगा कि हमारे विरोधी चीन के खिलाफ हमने अपने एक और पार्टनर यानी कि फिलीपींस को आगे तैयार कर दिया, उसको हम मिसाइल दे देंगे, जिससे कि चीन को बैलेंस करने में थोड़ा सा हमें मदद मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इससे मिलती जुलती और भी जो भी डेवलपमेंट आएगी उसको मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।